चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अपने खास योगदान को लेकर पहचान बनाने वाले भारत रत्न डॉक्टर विधान चंद्र राय के स्मृति में 1 जुलाई के दिन को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। कोरबा में इस मौके पर चिकित्सकों की सेवा का सम्मान किया गया। अस्पतालों में उपचार करा रहे मरीजों ने बताया कि आपात स्थिति में कुल मिलाकर डॉक्टर हमारे लिए विशेष होते हैं और उनसे काफी अपेक्षाएं रहती हैं। चिकित्सा क्षेत्र में कई प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन होने के साथ विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे लोगों को बेहतर उपचार देने का काम चिकित्सक कर रहे हैं। नवीनतम अनुसंधान और उपकरणों के आने से चिकित्सा काफी आसान हुई है और कुल मिलाकर इसका लाभ मरीज प्राप्त कर रहे हैं। डॉक्टर्स डे पर कोरबा में मरीजों से बातचीत की गई और चिकित्सकों के बारे में उनके विचार जाने गए। इस दौरान मरीजों ने बताया कि चिकित्सक हमेशा सम्मानित रहेंगे क्योंकि वह विशेष योगदान देते हैं। डॉक्टर पहले से तो बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे भी पहले से ज़्यादा हैं और आधुनिकीकरण पहले से बहुत ज़्यादा हो गए हैं और हम डॉक्टर अपने को अच्छे से देखते हैं पहले से ज़्यादा। अभी भी भगवान के रूप के बराबर ही हैं, दूसरा रूप मान लो भगवान का। अगर डॉक्टर को देखा जाए तो ये हमारे लिए भगवान है, क्योंकि जब हम ऐसे हालात में फंसे रहते हैं जहाँ हमें किसी की उम्मीद नहीं रहती तो हमारी पूरी उम्मीदें डॉक्टर से रहती हैं। और जिस हॉस्पिटल में मैं करेंट में हूँ, इस हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छे नेचर के साथ मुझे ट्रीट किया गया और मेरी प्रॉब्लम्स को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की तरह उन्होंने सॉल्व किया। छत्तीसगढ़ डेंटल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह ने बताया कि भारत रत्न डॉक्टर विधान चंद्र राय ने चिकित्सा क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। चिकित्सा जगत के साथ साथ उन्होंने पश्चिम बंगाल में 2 अवसर पर प्रदेश का बेहतर नेतृत्व किया। डॉक्टर्स डे जो है यह एक संजोग की बात रही है कि डॉक्टर विधान चंद्र राय बीसी राय जो थे, जो कि 2 बार वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे थे 1948 से लेकर 1962 तक, और वो एक ऐसा संजोग हुआ था कि 1 जुलाई को उनका जन्मदिन था और 1 ही जुलाई को वो शांत भी हुए थे। तो उन्होंने कई मुकाम हासिल की थी, उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था फरवरी 1962 में, और हम सभी डॉक्टरों के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। न्यू कोरबा हॉस्पिटल के संचालक शोभराज चंदानी ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा के मामले में चिकित्सकों ने अपनी खास भूमिका निभाई है, इसलिए वह हर समय महत्वपूर्ण बने रहेंगे। आज हमको वो दिन भी याद है जब हमारा MBBS में सिलेक्शन हुआ था, तब पेपर्स में रिजल्ट आते थे और हम लोग इतने उत्सुक रहते थे कि पूरे ज़िले में एक अलग नाम होता था कि इस पर्सन का MBBS में सिलेक्शन हो गया, क्योंकि बहुत सीट्स कम होती थी। हमारी सीट्स ऑल ओवर MP में 296 सीट्स थी, आज सीट्स बहुत बढ़ गई हैं। मेरे ख्याल से सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही 1700 सीट्स अवेलेबल हैं, और पहले के एजुकेशन सिस्टम और आज के एजुकेशन सिस्टम को जैसे कि अगर कंपेयर किया जाए तो डेफिनेटली नंबर्स बढ़े हैं, बट काम भी बढ़ा है, पब्लिक की रिक्वायरमेंट भी बढ़ी है, तो डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट्स है ज़्यादा। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो देश और दुनिया में चिकित्सकों की पूछ परख के साथ साथ मान सम्मान हो रहा है। इस स्थिति को बनाए रखने के लिए कार्यप्रणाली पर ध्यान देने की जरूरत महसूस की जा रही है। ऐसा होता है तो मरीजों का व्यवहार कभी भी असामान्य नहीं हो सकता। ACN न्यूज़ की पवन तिवारी के साथ मनोज यादव की रिपोर्ट।